हो रहे नगरीय चुनाव के लिए मतदान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वराज एक्सप्रेस से हुई खास बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के पक्ष में एक बेहतर वातावरण नजर आया। रमन सिंह ने कहा कि निकायों में विकास के काम ठप हो गए हैं, जो काम चल रहे थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, वोटिंग तो चल रही है, किस तरीके से बीजेपी की उम्मीदें हैं? जिस प्रकार चुनाव अभियान में नगरीय निकाय में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में गया था, जो जोश खरोश मैं देख रहा था, कार्यकर्ताओं में मतदाताओं का रुझान जो देख रहा था, अब उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतकर अपने मेयर और सभापति और अध्यक्ष बनाएंगे। एक अच्छा वातावरण, और जिस चुनाव में मुद्दा जो बन के आया है कि 15 साल के जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं और वो विकास नगरीय निकाय में कहा 200-250 करोड़ का बजट 2500 करोड़ तक पहुंच गया, और एक साल में कांग्रेस के सत्ता में आते ही सारे नगरीय निकाय के काम ठप पड़े हैं, कोई भी विकास के काम जो चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी अभी दौरे पर हैं और कई जगहों से शिकायतें आई, जिस तरीके से बातचीत हुई उन्होंने बताया कि फर्जी मतदान की भी शिकायतें आ रही हैं और कई बूथ ऐसे हैं जहां पर बगैर आईडी देखे मतदान कराए जा रहे हैं। बीजेपी इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेगी और क्या आयोग से शिकायत दर्ज कराने की तैयारी पड़ी? आयोग से हम लोगों ने बात की थी। ये अजीब बात है, कहा दुनिया 21वीं सदी में जा रहा है, ईवीएम का उपयोग कर रहा है, जिस ईवीएम से आप सरकार में बैठे हो उसी ईवीएम का भरोसा नहीं। इसका मतलब है कि मैनुअल वोटिंग करा के मत देके लोगों को न केवल इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है, बल्कि जनता को एक वोट देने का अधिकार इस सरकार ने छीना है। जो महापौर के लिए, सभा अध्यक्ष के लिए जो सीधे वोट डालते थे, वो अधिकार छीना है, अब पार्षद ही महापौर का चयन करें। लगता है इस प्रक्रिया में बीजेपी को लीड मिलेगी और बीजेपी निकायों पर अपनी सत्ता काबिज कर पाएगी? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 2800 स्थानों में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, पार्षद हमारे बहुमत के साथ आएंगे और हम नगरीय निकाय में सफल होंगे। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, दावा है कि इस निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलेगी और शहरी सरकार बनाने की जिस कवायद में बीजेपी जुटी है इसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिल सकेगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार